चार दिन पूरी में रहने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस, और मंगलवार को हम लोग वापस हुए। हमारा ट्रेन सुबह 6 बजे का था, मुंबई लोकमान्य तिलक से हम लोग यहाँ पर घर के लिए वापस हुए। ये है पूरी का स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है और ये स्टेशन वाईफाई की सुविधा से लैस है। इस स्टेशन में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर हमारा ट्रेन 6 बजे का था, पर आधे घंटे लेट होने के बाद 6:30 बजे ट्रेन लगा और हमको घर पहुँचने में लगभग 13 घंटे का समय लग गया। हम लोग करीब रात को 7:30 बजे पहुँचे हैं। और ट्रेन यहाँ पे पुरी से बिलासपुर के बीच बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। संबलपुर की जो पहाड़ी थी उनका नज़ारा बहुत अच्छा था। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। घर जाने के बाद तुरंत ही मैं वापस हो जाती हूँ दुर्ग के लिए, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं चली गई थी डायरेक्ट। जस्ट नेक्स्ट डे 8:30 बजे मैं घर पहुँची हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। और ये है संबलपुर की पहाड़ियों का नज़ारा। बहुत सारे जंगल हैं और ये संबलपुर का जो पहाड़ी है, जो संबलपुर के पहले आता है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जिस ट्रेन में हम लोग गए थे वो संबलपुर से जस्ट रिटर्न में, बहुत अच्छा लगा पूरी में। वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है, जो पूरी का बीच है गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है, जगह पर इतना सुंदर है। वहाँ पे पशु पक्षी सारे कबूतर सारे जानवर वहाँ पर रहते हैं। इतना सुंदर नज़ारा है, आसपास आपको हर चीज़ देखने को मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखाई हूँ। शूटिंग के लिए अच्छा व्यू है वहाँ पर, और इस जंगल में भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ का पानी हल्का हल्का गिर रहा था, जिसके कारण पूरा यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे हो गए थे। बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ का। रात को करीब हम लोग 7:20 के करीब बिलासपुर स्टेशन में पहुंच गए। वहाँ हमारा कार लगा हुआ था, तो कार से हम लोग घर गए। बिलासपुर से 40 किलोमीटर में अपना घर है पामगढ़, तहसील है, बड़ा जगह है, गांव एरिया नहीं है। वहाँ हम लोग गए और करीब एक घंटा के करीब लग गया। 8:30 बजे मैं घर पहुँची हूँ अपने। बाद मैं दूसरे दिन जन शताब्दी ट्रेन से आ जाती हूँ दुर्ग, क्योंकि ये मेरे को यहाँ कुछ काम था, इसलिए मेरे को जस्ट नेक्स्ट डे ही आना पड़ा। और यहाँ आगे पर मेरी मम्मी आने से मना कर रही थी कि कल ही आई है और आज मत जा, लेकिन फिर भी मैं जिद करके आ गई कि कुछ दिन बाद मैं फिर से वापस आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ मुझे एक ज़रूरी काम था इसलिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।